सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दो हर अंग का रंग निखार दो, के सजना है मुझे सजना के लिए। सो वेलकम टू माय चैनल आर फॉर रूबी स्टाइल प्लेस, और मैं हूँ रूबी, और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ब्राइडल मेकअप लुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए पहले मैंने गुड वाइब्स का टोनर लेके अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गुड वाइब्स का मल्टी विटामिन क्रीम, डे क्रीम है, और इससे मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने निविया का लिप बाम से अपने लिप को हाइड्रेट कर लिया है। देन अगेन मैंने लिया है यहाँ पे NYB का कंसीलर, और उसको अपने आई क्रीज पे अच्छे से लगा के आई शेडो एरिया पे, और उसको मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि जो है हमारा आई शेडो का कलर उभर के आए और एक अच्छा सा लुक दे। फिर मैंने लिया है यहाँ पे स्विच ब्यूटी का आईब्रो पाउडर, और उससे मैं अपने आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है NYB का लिपस्टिक और रेड, जो कि रेड कलर का है, सेड नंबर 2 है 02, और उसको मैं लेके अपने आईलिड पे अच्छे से एप्लीकेटर की मदद से लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्रश, और उससे मैं अच्छे से अपने आई मेकअप को ब्लेंड करूंगी लिपस्टिक से, जो हमारा आई बेस है वो अच्छे से उभर के आएगा। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग में समय देंगे ताकि आपका मेकअप पैची ना रहे। इसमें मैंने सब अफोर्डेबल चीज़ों का इस्तेमाल किया है और जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे हुडा ब्यूटी का पैलेट, और उसमें से ब्राउन कलर लेके अपने आई क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैंने ऊपर से लिया है ब्राउन कलर का सिमरी सेट, और उसको मैं अपनी आईलिड पे अच्छे से लगा के ब्लेंड करूँगी ताकि जो हमारा आई मेकअप है ऐसा ना लगे कि हमने लिपस्टिक से बनाया है और अच्छे से साइन आ जाए। तो उसको लगा के हम अच्छे से ब्लेंड लगा लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है सेम पैलेट में से गोल्डन कलर का शेड, और उसको अपने आईब्रो के नीचे को एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का आईलाइनर, और उससे मैं अपने आईलाइनर को लाइन कर रही हूँ, बट ये थोड़ा सा ड्राई था कि क्या उसे अच्छे से हो नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है NYB का लाइनर, और उससे मैं अपने आईलाइनर लगा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लाइनर है और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि ब्राइडल में थोड़ा सा ब्रॉड अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्सोनी का मस्कारा लिया है, उससे मैं अपने मस्कारा पलकों को मस्कारा कर्ल कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे फेक लेसेस लगाऊंगी लास्ट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है NYB का प्राइमर, और उसे अपने फेस पे अच्छे से लगा ले रही हूँ ताकि जो फाउंडेशन वगैरह है हमारी स्किन को हार्श ना करे, तो प्राइमर मस्ट है। उसको लगा के अच्छे से ब्लेंड कर ले, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, बहुत ही थिक फॉर्मूला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का मेकअप बेस, और उसको अपने फेस पे लगा के फिंगर की मदद से ब्लेंड कर ले रही हूँ क्योंकि ब्राइडल का फेस थोड़ा सा साइन करना चाहिए। तो इसमें सिमरी पार्टिकल है और बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपकी स्किन को। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मैक का फाउंडेशन, और उसको लगा के मैं अच्छे से ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर ले रही हूँ।
ब्लेंडिंग मस्ट है, क्योंकि ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बहुत जल्दी काला हो जाएगा, और ब्राइडल का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो उसके लिए हम अच्छे से अपने फेस को ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैंने लिया है फिर से एनवाइबे का कंसीलर, और उसको अपने आईब्रोज के ऊपर लगा के और एक फ्लैट ब्रश की मदद से अच्छे से लगा ले रही हूँ, ताकि एक शार्प आईब्रो का शेप आए। और उसके बाद फिर मैं जहाँ जहाँ कंसीलर लगाना होगा लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी अफोर्डेबल है और लॉन्ग लास्टिंग भी आपके मेकअप को रखते हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो पूरे फेस को कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे और अपने फेस को हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एनवाइबे का पर्पल का कॉम्पैक्ट, और उसको लगा के मैं अपने फेस मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एनवाइबे का कंटूरल सेट कंसीलर, और उससे मैं अपने फेस को अच्छे से कंटूर कर लूँगी, नोज चीक वगैरह जहाँ जहाँ कंटूर करना है। इससे आपका फेस जो है थोड़ा स्लिम दिखता है और शेप अच्छा आता है। तो कंटूर करके मैं एक कंटूर ब्रश की मदद से उसको सीधे सीधे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से करें, बट मेरे को ब्रश से आसान लगता है, तो मैं ब्रश से कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लूज पाउडर, और उसको फिर से अपने फेस को जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है वहाँ पे लगा ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा फेस थोड़ा ज़्यादा ही लाइट शाइन करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कॉम्पैक्ट, और मैंने अपने जहाँ कॉन्टोर किया था वहाँ पे अच्छा शेप दे दिया है। उसके बाद लूज पाउडर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एडीएस का ब्लश, मेरे पास दूसरा ब्लश नहीं था तो मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा ब्लश ले सकते हैं, और उसको अपने चीक्स को अच्छे से ब्लश कर लेंगे, थोड़ा सा स्माइल करेंगे और देन अपने स्किन पे ब्लेंड कर लेंगे चीक्स पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, और अपनी चीक नोज फोरहेड जहाँ जहाँ हाईलाइट करना है हाईलाइट कर लेंगे, आईब्रोज के नीचे। उसके बाद मैंने लिपस्टिक लिया है यहाँ पे एडीएस का लिप लाइनर, और एनवाइबे की दो कलर की लिपस्टिक ली है। पहले यहाँ मैं अपना लिप लाइन बना लूंगी, और उसके बाद पहले मैंने लिया है यहाँ पे शेड नंबर 36, और उसको अच्छे से मैं चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा जो लिप कलर है वो मेरे लहंगे के कलर का है, तो इसलिए मैंने दो सेट का यूज़ किया है। आप चाहे तो एक सेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है रेड, जिसका नंबर है शेड नंबर 02, और उसको अच्छे से ऊपर से अप्लाई कर लूँगी। तो ये मेरा मेकअप लुक फिनिश है। मैं इसके बाद मेकअप फिक्सर का यूज़ कर लेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि मेरा बेबी परेशान करने लगा था तो भूल गई। तो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लव यू।